गाइज वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे क्या मैंने जो 6 महीने पहले डीकार्बनाइजेशन अपने गाड़ी के इंजन की कराई थी वो एक सही डिसीज़न था या गलत डिसीज़न था। तो जब ये ब्लॉग ख़त्म होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने वो डिसीज़न सही लिया था या गलत। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के डिमांड पे ये ब्लॉग बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि मेरी गाड़ी को डीकार्बनाइजेशन कराए हुए 6 महीने हो गए थे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों की डिमांड पर है, पूरा ब्लॉग देखना, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे कि गाड़ी में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या जो 2000 रुपये हमने पे किए वो वेस्ट हो गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पहली बात तो डीकार्बनाइजेशन होता क्या है। डीकार्बनाइजेशन होता है कि जब आप अपनी गाड़ी के इंजन के अंदर जितना भी कार्बन है उसको आप फ्लश कराते हैं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बनाइजेशन, जो कि हमने अपनी इस गाड़ी की 6 महीने पहले कराई थी। तो आज 6 महीने बाद हम एक रिव्यू बना रहे हैं, रिव्यू ब्लॉग बना रहे हैं कि हमारे को वो करा के कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वैसे मैं बता देता हूँ कि डीकार्बनाइजेशन कराने से फ़ायदे होते क्या हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो ये है कि जो इंजन की नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इंजन गाड़ी बंद ऑन करते हैं तो जो हिलता है ना वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मेजर 3-4 बेनिफिट्स तो ये हैं जो मैंने आपको बताए। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सही में एक्चुअल में कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पहला जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है डीकार्बनाइजेशन कराने के बाद मेरे को, वो हुआ माइलेज में। अब मेरी गाड़ी जो माइलेज है 15.5 के ऊपर देती है विद एसी, और मैं कितना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते ही हैं। तो मेरे को जो गाड़ी माइलेज दे रही है अब वो दे रही है नियर अबाउट 15.5 और 16 के बीच में विद एसी। तो वो चेंज हुआ है। पहले शायद गाड़ी जो माइलेज दे रही थी वो 14 की दे रही थी, और आप लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखाया ही था कि जब मेरी गाड़ी का डीकार्बनाइजेशन हो रहा था तो इतना ज़्यादा ब्लैक स्मोक नहीं निकला था। उसका रीज़न ये था कि जिन्होंने मेरी गाड़ी पे किया था वो भी ये कह रहे थे कि आपकी गाड़ी प्रॉपर टाइम पे सर्विस होती है, तो ऐसा कोई सच इसमें ज़्यादा कार्बन जमा ही नहीं था। थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, तो ऐसा कोई डीकार्बन इसमें जमा हुआ था ही नहीं, बट हमने करा लिया था। और अब जो सेकंड बात आती है कि गाड़ी डीकार्बनाइजेशन कब करानी चाहिए, तो वैसे तो कहते हैं कि 50,000 किलोमीटर्स पे करा लो तो गुड है। तो अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है या उससे ज़्यादा चल चुकी है तो जाके करा लो, बहुत ही सस्ते में हो जाता है। 1500 से 2000 रुपये का खर्चा है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो। अगर चंडीगढ़ में रहते हो तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और उनका नंबर भी, कॉल कर लेना, सस्ते रेट पे हो जाएगा। अपना नाम ले देना, डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि भाई की वहाँ पे चलती है। बहुत सारे लोग गए हैं मेरा नाम लेके और उनको रीज़नेबल प्राइस पे, जिस प्राइस पे मुझे किया उसी पे कर दिया। अगर एसयूवी है, छोटी गाड़ी है तो और सस्ता हो जाता है, ठीक। दूसरा जो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि अगर किसी की गाड़ी ब्लैक स्मोक ज़्यादा देती है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक। बट हमारी गाड़ी में वो प्रॉब्लम थी नहीं, तो वो क्या सॉर्ट आउट होती। तो वो दूसरा वाला पॉइंट तो कट्टा मार दो। पहला जो मैंने बताया आपको, माइलेज मेरी जो गाड़ी की इंक्रीज़ हुई है वो पहला बेनिफिट है मुझको। दूसरा, ब्लैक स्मोक जो मेरी में नहीं थी बट अगर किसी की में होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी 100%। तीसरा, इंजन थोड़ा सा जो साउंड है ना इंजन की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे अगर पहले थोड़ी सी ऐसे हार्श ही साउंड कर रहा था ना, तो वो स्मूथ हो गया, मतलब अब वैसी साउंड नहीं आती है। मतलब साउंड में थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो किस वजह से होता है वो मुझे पता नहीं, बट डीकार्बनाइजेशन कराने के बाद साउंड में थोड़ा बहुत एक्चुअल में फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो कि मैंने खुद देखी है और फील करी है, गाड़ी का पिकअप बहुत ही तगड़ा हो गया है, पिकअप चेंज हुआ है। और अब अगर आप पंजा दबाओगे मेरी गाड़ी का तो अब यह ऐसे रॉकेट की तरह भागती है। सो दिस इज़ अ मेजर चेंज हुआ है। 4 चेंज मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ जो दिखा सकता हूँ। तो चलिए गाड़ी को शुरू करते हैं, स्टार्ट, ठीक है। ये देखो गाइस, गाड़ी स्टार्ट की, इतना सा भी धुआं, काला सफ़ेद क्या कुछ भी धुआं नहीं आता है, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस कैमरे को रख के जाता हूँ और रेस दूंगा, आप लोग फिर देखना, ठीक है।
देखा आप लोगों ने, मैं जो आप लोगों को बता रहा था, इतनी सी भी धुआं नहीं है। मतलब अगर छोटी सी भी जो धुआं की बात करें ना, कि गाड़ी अभी कोल्ड स्टार्ट करी है, खड़ी थी पूरी रात से, कि हल्का सा भी धुआं, कोई धुआं आता ही नहीं है। मतलब इतना सही है। और अब आप लोगों को ये, मैं आप लोगों को डेमो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं, कहते हैं कि आपने तो बस बोल दिया, ऐसे विश्वास नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, आप लोग ना गाड़ी का साउंड सुनना, ठीक है? तो थोड़ा सा अंदर बैठते हैं, लाइट जला लेते हैं सारी, ठीक? अब देखो मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ। देखा, कोई मतलब इतना कम साउंड है, कोई ज़्यादा साउंड भी नहीं है। और ये देखो कि किस आरपीएम, देखना कितनी स्पीड में चढ़ता है। पिकअप देखना गाड़ी की, देखा आप लोगों ने, समझ में आई जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई लोगों ने पूछे हैं, उनका जवाब दे देता हूँ। कई लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे हैं कि डीकार्बोनाइजेशन क्यों कराना चाहिए, तो वो मैंने बता दिया कि आपके इंजन के अंदर आप जितना भी कार्बन होता है उसको फ्लश कर देता है, इंजन की जो नॉइज़ होती है उसको कम करता है, इंजन जो बंद ऑन करते टाइम हिलता है उस वाइब्रेशन को कम कर देता है। और कई लोगों के साथ तो पिकअप और माइलेज में भी फ़र्क डालता है, जैसा कि मेरे साथ डाला है, ठीक है? तो इसलिए आप सब लोगों को डीकार्बोनाइजेशन गाड़ी की करानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे बार बार कई लोगों ने पूछा कि भैया क्या टाइम फ्रेम है, किसी की गाड़ी 3 साल चल गई है, किसी की ज़्यादा चल गई है, कब कराना चाहिए? तो यार साल के ऊपर नहीं होता है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए। अगर आपकी गाड़ी 50,000 चल चुकी है डीजल गाड़ी, तो आप किसी के भी पास जाके ये प्रोसेस करा सकते हैं। 1,000 से 2,000 रुपये का खर्चा है, डिपेंड ऑन द स्टेट। अगर आप यहाँ पे चंडीगढ़ में हैं तो मेरे हिसाब से 2,000 रुपये में आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है? तो 50,000 है, और अगर पेट्रोल है तो 70-80,000 के बीच में करा लो। और सीएनजी का मुझे पता नहीं आइडिया, दो चीज़ों का पता है, तो जिस चीज़ के बारे में पता है वो मैंने आपको बता दिया। डीजल 50,000, पेट्रोल 70-80,000, ठीक? कई लोगों ने पूछा है कि कितने रुपए में होगा, अलग अलग सिटीज़ में आप लोग रहते हो यार, तो मैं पैसे के लिए तो आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा कि कितने में होगा, बट जो मेरे लगे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप लोगों के भी उतने ही लगेंगे, जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उनको कॉल कर लो, एंड दे विल चार्ज यू द सेम जो उन्होंने मुझसे चार्ज किया, एंड एडिशनल कई सारे आप लोगों को बेनिफिट भी दे देंगे, जैसे कार स्कैन कर देते हैं जिससे अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोगों को पता लग जाएगी। बट वो तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है? यहाँ पे इन द सेंस कि चंडीगढ़ के आसपास रहते हो, अगर कहीं दूर रहते होगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए ध्यान रखना, ठीक? सो गाइज, ये सारे बेनिफिट हैं अच्छी जगह से गाड़ी का इंजन अगर डीकार्बोनाइज कराते हो तो। मैंने आप लोगों को डेमो दे के दिखाया कि यार इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, अगर आपकी गाड़ी स्लो चल रही है, फस फस के चल रही है, या आप लोगों को लग रहा है कि यार गाड़ी ना पुरानी सी हो गई, पिकअप नहीं उठा रही, तो मेरे कहने पे एक बार डीकार्बोनाइज कराओ जो भी आपके नियरेस्ट है। बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि किसी अच्छे आदमी से कराओ, क्योंकि अगर आप कहीं ख़राब से करा लोगे और उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग मेरे गले पकड़ोगे, कहोगे कि यार ये हमने कराया और कुछ आउटपुट तो निकला नहीं, पैसे वेस्ट हो गए, हमने आपकी बात मान के गलती कर दी। तो मैंने आपको अपनी गाड़ी में दिखा दिया है कि मेरी गाड़ी में ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, और वे डेमो दिखा दिया। धुआं का तो नाम ही नहीं है, जो धुआं हल्की फुल्की भी होती है ना उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। और बहुत स्मूथ हो गई है, एवरेज बढ़ गई है, इंजन नॉइज़ कम हो गई है, और पिकअप इंक्रीज़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डीकार्बोनाइज कराने से गाड़ी में इम्पैक्ट डालती हैं, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर अभी तक कहाँ चले गए भैया, हाँ, तो अगर अभी तक गाड़ी डीकार्बोनाइज नहीं कराई है तो प्लीज़ जाके करा लीजिए, आपकी गाड़ी में चेंज ज़रूर आएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और मैंने अपने 6 महीने के बाद का जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था वो कर दिया। आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनटिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय।